पब्लिक में हम जब जानता नहीं है हम कैसे बताए, और हम कुछ जब जानता नहीं है उसका डिमांड भी हम कैसे करेगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए। मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हूँ, लास्ट ईयर हमारा डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का तरफ से भी बांध रखा गया था सब्सिडी देने के लिए, जो भी यूथ या कोई इंटरप्रेन्योर न्यू इंटरप्रेन्योरशिप कुछ खुलने से उसको सब्सिडी देने के लिए। मुझे दुख से कहना पड़ता है कि वो फंड लास्ट ईयर भी कंप्लीटली ये हम लोग सरेंडर कर दिया क्योंकि कोई एप्लीकेंट नहीं था। हमारा युवा, ये बहुत दुख की बात है कि मुझे सोच बात कहने का आदत है कि हमारे युवा ज्यादा इजी मनी का पीछे है, कोई काम करना नहीं चाहता है। ये किसी को बुला के आप स्कीम के बारे में समझाने से, ये करो वो करो बोलने से, तो ज्यादा लोग बोलता है ऐसा, ये तो बहुत टाइम लगे, इससे क्या होगा? तो आपको क्या सही है, आप किस मनी सही है, और वो भी लाखों में। तो मैं बहुत जगह में बोला हूं, तो आप एक लुटारी टिकट बुक करके बेच जाओ, उस मत करो। ऐसे नहीं होता कि आप काम करना पड़ेगा। युवा शक्ति ऐसे नहीं आई, इसको वेस्ट करने के लिए नहीं आई, उसको दिखाने के लिए है। आप जो कूद आप नहीं बनाएगा, आप समाज को क्या बनाएगा, आप पार्टी को क्या बनाएगा, देश को क्या बनाएगा? तो ये आजकल का हम लोग आप लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना ये दिया है, तो इसको आप लोग ये इसका बेनिफिट उठाइए और कुछ स्किल हो जाइए, किसी भी सेक्टर में आप स्किल हो जाइए। पार्टी पॉलिटिक्स में रहना, किसी पॉलिटिकल पार्टी में रहना, ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी वोट करो। आप किसान बन के भी पार्टी में रह सकता है, आप एंटरप्रेन्योर बन के भी पार्टी में रह सकता है, और आप बिजनेसमैन बन के भी पार्टी में रह सकता है, पार्टी का काम कर सकता है। ऐसे नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दिया और पार्टी में हमेशा है, ये तो कैसे होगा, आपको कौन खिलाएगा? ये आज का जो यहाँ युवा मोर्चा आप लोग हमारा स्टेट का जो जितना भी वेल एजुकेटेड भी है और वेल डिसिप्लिन भी है, और आप लोग ऐसे एक पॉलिटिकल पार्टी में बिलोंग करता है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है और डिसिप्लिन है, और जो पॉलिटिकल पार्टी केदार बेस है, इसका पॉलिटिकल पार्टी का आप मेंबर है, इसको आगे बढ़ाने के लिए और आने वाला इलेक्शन में हम लोग अरुणाचल में 100% बीजेपी गवर्नमेंट लाने के लिए अभी से काम शुरू करना है, कमर कसना है। नागालैंड को देखिए, जहां कांग्रेस का रूल हमेशा होता था, लास्ट इलेक्शन में कांग्रेस जीरो हो गया। अरुणाचल में युवा मोर्चा जो है ये ठीक से काम करने से, और हम लोग जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, हम लोग यूनाइटेडली एक साथ काम करने से यहाँ भी कांग्रेस को जीरो कर सकता है हम लोग, ये भी बहुत संभव है। लेकिन हम लोग खुशी ग्रुप ग्रुप में लड़ेगा, हम लोग का परिणाम भी अच्छा नहीं हो। इसलिए आज से लीडरशिप नहीं बन सकता, हमेशा एक लीडर का अंदर में काम करने को सीखना है,